हेलो गाइज, इस वीडियो में हम UP SSC का जो पैट का एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे पेपरों का एनालिसिस करेंगे। किस शिफ्ट में पेपर सबसे टफ आया है और किस शिफ्ट में सबसे पेपर हार्ड आया है। और गाइज, आपको अगर सारे पेपर चाहिए तो पैट के उसका लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा गाइज, अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। तो पहले मैं आपको लिंक बता देता हूँ। तो ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, UPSC नॉलेज ग्रुप। इसको ज्वाइन करके आप मुझसे पेपर ले सकते हो। आपको मैंने सारे पेपर में खुद प्रोवाइड करा दूँगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। UPSC नॉलेज ग्रुप को आप ज्वाइन करके पेपर मुझसे ले सकते हो। अब हम बात करेंगे पेपर के एनालिसिस के बारे में और किस टिप का पेपर टफ था। तो गाइज, मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगा। सबसे जो टफ टिप्ट थी वो थी सेकंड। सबसे टफ सेकंड थी, फिर फर्स्ट थी, फिर थर्ड थी, फिर फोर्थ। ये सीक्वेंस बन रहा है हमारा, आप देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में। सबसे आसान शिफ्ट आई है 16 तारीख की, जो चौथी शिफ्ट थी फोर्थ, वो शिफ्ट सबसे आसान थी। और सबसे टफ शिफ्ट थी वो सेकंड थी। हालांकि पेपर जो वन का शिफ्ट का पेपर था वो भी इतना आसान नहीं था, और क्योंकि पहली बार सब कुछ पता चल रहा था DI के बारे में। DI सब काफ़ी लेंथी आ रहा था मैथमेटिक्स, इस बार इतना आसान नहीं था। GS और करंट अफेयर का जो पोर्शन था वो बहुत आसान था, आप आराम से उसको कर सकते थे। करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अप टू एवव थे, इतने कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसान थे, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा डेप्थ में तो आप कर पाओगे। लेकिन GS ओवरऑल इतना टफ नहीं था, अगर कुछ क्वेश्चनों को छोड़ दे तो। इसी प्रकार से जो DI था और मैथमेटिक्स और रीजनिंग इतना आसान नहीं था, अगर हम पहले दो शिफ्ट की बात करें तो, क्योंकि लास्ट के दो शिफ्ट के बारे में तो आपको पता चल ही गया था किस टाइप का पेपर आ रहा है। पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम था, कहीं भी बिल्कुल चेंज वगैरह वाली बात नहीं थी। जिस टाइप से मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ रहे थे, रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे थे, DI के आ रहे थे, रीजनिंग करंट अफेयर के आ रहे थे, GS के, तो उसका पैटर्न बिल्कुल फिक्स था। आपको उस चीज़ के लिए ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा आसान शिफ्ट थी वो फोर थी, और वैसे भी फोर्थ शिफ्ट सबसे लास्ट वाली थी, और थर्ड शिफ्ट सेकेंड इजी थी अगर हम बात करें कंपेयर, और सबसे टफ थी फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट थी। तो गाइज, ये मैंने आपको बता दिया है। पेपर के लिंक का भी मैंने आपको बता दिया, आपको पेपर का लिंक कहाँ से मिल जाएगा। और बहुत जल्द वैकेंसी आपकी आने वाली लोअर के लिए, और गाइज लोअर के लिए वैकेंसी आने वाली, UP लेखपाल के लिए वैकेंसी 4000 के आसपास पर आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, बहुत सारी वैकेंसी अब इस बार आएंगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। तो गाइज, ये मेरा आपके लिए एक शॉर्ट सिंपल आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस टाइप के इन्फॉर्मेशन, जैसे ही कोई नई खबर आएगी UP लेखपाल संबंधित या अदर किसी एग्ज़ाम से नोटिफिकेशन संबंधित, तो मैं आपके लिए तुरंत वीडियो लेके आऊँगा। तो गाइज, आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद गाइज।